हिमाचल प्रदेश के हर एक मंदिर का अपना अलग और बहुत ही रोचक इतिहास है। उन्हीं में से एक है भलई माता का मंदिर। लोगों का मानना है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूर्ण होती है। चंबा से 32 किलोमीटर और पठानकोट से 118 किलोमीटर दूर वह चमेरा लेक से ऊपर बसा है भलई गांव, जहां स्थित है माता भद्रकाली का यह ऐतिहासिक मंदिर, जहां देश के कोने कोने से भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। आम दिनों के मुकाबले यहां नवरात्रों में काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। आइए चलते हैं भलई माता मंदिर व यहां जानने की कोशिश करेंगे मंदिर के इतिहास को। दोस्तों, दिल्ली से 565 किलोमीटर दूरी तय कर मन को मोह लेने वाले खूबसूरती से सराबोर घुमावदार रास्तों से होते हुए हम चंडीगढ़ पठानकोट होते हुए पहुंचते हैं चमेरा डैम, जहां की प्राकृतिक मनोरम छटा देखकर अंदाज़ा लग ही गया कि भलई माता मंदिर प्रांगण से ज़बरदस्त सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। जय माता दी, जय माता दी। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों भलई माता मंदिर। और दोस्तों, भलई माता जी का जो मंदिर है वो काफ़ी एक पहाड़ी के ऊपर है। मनोरम दृश्य यहाँ से आपको लगातार नज़र आते हैं, देखिए आप। और रंजीत सागर डैम जो है वो भी, चमेरा डैम जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रसाद और सब शॉप्स लगी हुई हैं। प्रसाद का इधर है। खैर, एनीवे, ओ ये आ चुका है मंदिर परिसर। जय माता दी, जय माता दी। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव का मंदिर स्थापित है और ये सामने माता जी का भव्य मंदिर, ये देखिए हम। जय माता। दोस्तों देखिए, चारों ओर के मनोरम दृश्य भलई माता मंदिर परिसर के। पवित्र यह मंदिर, शक्तिशाली माता जी का यह मंदिर बहुत ही। आइए दर्शनों के लिए ऊपर चलते हैं। जय माता दी, जय माता, जय हो, जय मातेश्वरी। शेर है विराजमान। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, भलई माता मंदिर के गर्भगृह में मैं अभी इस टाइम जो है बैठा हुआ हूँ माता के चरणों में। यहाँ बोलते हैं भलई माता, ये भद्रकाली की मूर्ति है और 500 वर्ष प्राणी है ये माता की मूर्ति जी। 500 वर्ष प्राणी है ये माता। जो माता जी देख रहे हैं यहाँ पर, स्वयं हुआ ये। अच्छा, स्वयं प्रकट है। स्वयं प्रकट है। आज से 500 वर्ष पहले चंबा के राजा प्रताप सिंह ने इसकी मंदिर की स्थापना की है। तो कहते हैं कि उनको सपना हुआ था राजा को। अच्छा जी। 500 साल पहले, और माता ने स्थान बताया था कि मैं फलानी जगह विराजमान हूँ और इतना धन मेरे नीचे है। अच्छा जी। जब राजा वहाँ पहुँचे, यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऊपर एक ब्राह्मण गांव है, वहाँ की पानी की बावली है, उसके बीच ही मूर्ति निकली थी और 3 चल हुए चांदी के सिक्कों के नीचे, इसके नीचे निकले थे। अच्छा, जब राजा जी के मतलब सपने में आई थी माता जी। माता जी, तो राजा ने उस उन चरुओं को, वो धन को उठाया और माता को उठाया कि माता रानी में देश स्थापना किया, वो चंबा करूंगा जी, और वहां से प्रस्थान कर दिया। जब इस स्थान पर पहुंचे, कहते हैं जब मूर्ति को रखा विश्राम के लिए तो यहां से नहीं उठी। अच्छा। बहुत से लोग गाँव के इकट्ठे थे, उन्होंने बोला देखो राजा जी, माता की मर्जी यहाँ से जाने की नहीं है, तो ये लोगों को भला करने के लिए यहाँ पर बैठ गई है वो, तो ये माता की स्थापना यहाँ ही होगी और भला से भले ही पड़ गया। अच्छा, भला से भले ही पड़ गया। माता यहाँ पर आई तो भला करने के लिए आई लोगों का। और यहाँ जो जितने भी गांव के लोग थे उन्होंने ऐसे ही बोला, समझा का नाम ही भले ही पड़ गया। और आज देख लो, ये मंदिर ट्रस्ट केंद्र है और ये ट्रस्ट में जो पुराना मंदिर था, वो छोटा सा मंदिर था हमारा, ये बार लगी हुई है जी।
उसके बाद ये मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है पूरा प्रबंध समिति ने कराया है और जितना बड़ा मंदिर बना है ये सारा ये जो अंदर की गर्भ की है वो उसी में की बनी हुई है। अच्छा, देखने चांदी वगैरह वो सारा ट्रस्ट में जो मंदिर में चढ़ावा में चांदी आया है। हाँ जी, हाँ जी। माँ के मंदिर में गया है जो सोना है आपके सामने है माता पर लगा हुआ है। हाँ जी, जो सोने के हैं बाकी जहाज ये रात सोने का है ये लोगों ने चढ़ाया है चढ़ाई इकट्ठा करके ट्रस्ट में ये माता को चढ़ा दिया है। ठीक है नहीं जी, काम चला हुआ है जैसे माता रानी के चरणों में जो भी श्रद्धालु आते हैं भगवती माता उसकी मनोकामना पूरी करती है। जी जी बिल्कुल, आपकी मनोकामना पूरी करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं माता के दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। सही बात है, माता को देख साक्षात रूप है माता के आते हैं। सही आकर और भगवती माता खाली भी नहीं भेजती उसको, ये तो कह रहे हैं जैसे रखते हैं बाकी माँ को मांगती नहीं है ये हमें देती है। भगवान यहाँ पर जो है क्या क्या मतलब फैसिलिटीज हैं रुकने की और कैसे? रुकने की यहाँ पर कमरे हैं कृष्ण में बनाए हुए। अच्छा जी, थोड़े कमरे हैं 5-7 कमरे हैं। अच्छा जी, तो धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला भी कमरे है। वो चार्जिंग दी जाती है। अच्छा जी, तो कुछ चार्जेज है उनके? कमरों की चार्जिंग है, धर्मशाला मुफ्त है। अच्छा, धर्मशाला मुफ्त है, कमरों के चार्जेज है। क्या चार्जेज होते हैं जी प्रभु? थोड़े चार्ज होते हैं, 500-600 कमरे का गीजर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, की साफ सफाई जो नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल। तो हम पहुंच गए थे भले ही माता मंदिर, तब तक बारिश नहीं थी, बादल जरूर लगा था लेकिन बारिश नहीं थी दोस्तों। बट जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे, परिसर में पहुंचे, तभी से बारिश इतनी तेज़ लगी है, करीब करीब 40 मिनट हो चुके हैं बारिश को लगे हुए और बहुत तेज़ी से बारिश पड़ रही है। तो ऐसी तेज़ी में बारिश में प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है दोस्तों क्या होती है? एक्चुअली स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा डर बन जाता है और स्लाइडिंग हुई तो कहीं फंसने वाले चांस हो जाएंगे। तो अभी पठानकोट यहाँ से है करीब करीब 108 किलोमीटर भले ही माता मंदिर से, और हमें लगभग उसमें लग सकते हैं 3.5 घंटे पहुँचने में। अभी वैसे टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लगभग 3 ही बजे थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रकृति है, अपना काम तो करेगी प्रकृति। तो मैंने जैसे ही बारिश रुकती है तो आगे की यात्रा अपनी राइड हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम पठानकोट की तरफ जा रहे हैं। तो कल जाएंगे हम दिल्ली की तरफ, मतलब दिल्ली पहुंच जाएंगे। अभी देखो, जय भले ही माता, जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों 1.5 घंटे बाद जो है बारिश बंद हो गई है, फिर भी मैंने अपना सामान सब कवर कर लिया है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है दोबारा भी बारिश आ सकती है, और रेनकोट भी लगा लिया है मैंने एक्चुअली। तो दोस्तों माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम जा रहे हैं बेसिकली बनी खेत की ओर।